जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे एएम तिलक में। और आज हम एक ऐसे श्री महेंद्र शास्त्री जी महाराज से आप सभी को मिलाने वाले हैं, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के एवं श्री राम कथा के रसक वक्ता हैं। और उनसे आज यह सब चर्चा करने वाले हैं कि महाराज जी, कैसे हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में श्री रामचरितमानस को उतार सकते हैं, कब हमें श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, ऐसे कई सारे प्रश्न हम सभी के मन में रहते हैं। तो इस वीडियो में आप हमारे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को प्राप्त हो सकें। सबसे पहले हम महाराज जी का इंट्रोडक्शन, पहले महाराज जी के बारे में जानते हैं, महाराज जी कहाँ से हैं और कैसे महाराज जी ने श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री रामचरितमानस का अध्ययन किया है। तो महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है, कैसे, जैसे कोई अभी नववर्ष का बालक है, वह भी अध्ययन करना चाहे तो किस प्रकार से वह अध्ययन कर सकता है, और आपने किस प्रकार से अध्ययन किया है महाराज जी, इस बारे में आपका। सबसे पहले आपने ये जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये प्रश्न किया है कि श्रीमद् भागवत एवं राम कथा अगर आज कोई बालक सीखना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उसे अपने नियम संयम पर ध्यान रखना चाहिए। हमें कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, सुबह से हमारी क्या क्रिया होना चाहिए, क्या संयम होना चाहिए, और सबसे पहले ठाकुर जी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद में उनकी जो भगवान का ध्यान है, भगवान की जो पूजा है वो करके श्री रामचरितमानस का पाठ करें। 5 चौपाइयाँ या 11 चौपाइयाँ या 21 चौपाइयाँ पढ़ करके और अपने हृदय में वो उतारें। केवल पढ़ें नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक चौपाई को पढ़ करके उसका अर्थ हृदय में ना उतारा जाए तब तक जो है हमको कथा समझ में नहीं आ सकती है और ना वो हमारे हृदय में उतर सकती। तो महाराज जी, मैं अब आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे और कैसे आपने अध्ययन किया, कैसे आपने यह सब अध्ययन किया, ये इन सब के बारे में भी आप मुझे थोड़ा बताएं। असल में बात यह है कि एक छोटा सा कस्बा पड़ता है तहसील गरोठा जी, गरोठा जी, गरोठा के पास में मेरा एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम रामपुरा है। हमारे पिताजी श्रीमद् भागवत और कर्मकांड के बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं और अभी भी हैं, तो उनकी कथा हम बराबर सुनते रहे। गांव में बहुत सारी कथाएं जो है होती थी, पहले इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं कथाओं में नहीं लगती थी, इतना ज़्यादा संगीत नहीं लगता था, इतना ज़्यादा अर्थ नहीं लगता था, हर कोई जो है कथा कराता था तो गांव में हमारे पिताजी ही कथा करते थे। और मुझे बड़ा शौक था कथा सुनने का, तो नीचे बैठ करके कहीं कभी पीछे बैठ जाते थे, डरते बहुत थे पिताजी को, तो उनकी कथा हम सुनते रहे छुपके छुपके। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, गुरुजी का आशीर्वाद हुआ, शिष्यम बने, तो गुरुजी ने दिशा निर्देशन किया, आदेश दिया कि आप जो है कथा करें। पहले हम संगीत से बड़ा प्रेम रखते थे, हमारी जो मित्र मंडली थी वो भी संगीत जो है थोड़ी मोड़ी गीत वगैरह गाते थे, उनके साथ में हम भी रहते थे, तो गायन थोड़ी सा जो भी बनता था तो हम गाते रहते थे। फिर हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा कि आपको जो है कथा करना चाहिए। हमारे गुरुजी चिरगांव तुलसी आश्रम के महंत, पूज्य महंत विश्वभूषण दास महामंडलेश्वर महाराज, जिनके साथ में करीब 7-8 वर्ष में बराबर रहा, उनके साथ यज्ञों में गया और उनकी सेवा की, तो उनका आशीर्वाद मुझे मिला। धीरे धीरे श्री रामचरितमानस का पाठ हमने किया और करने के बाद फिर धीरे धीरे जो है हम कभी 5 चौपाइयाँ बोलते थे, कभी 2 चौपाइयाँ बोलते, इससे धीरे धीरे मंजिल तक पहुँच गए हैं कि आज ठाकुर जी की कृपा से बहुत जगह मुझे जाने का सौभाग्य मिल रहा है। जी महाराज जी, जैसे हम भी आपकी कथा सुनते हैं और बहुत हमें सुंदर लगती है, अच्छी भी लगती है, बहुत मन लगता है जब हम आपकी कथा सुनते हैं, तो महाराज जी ऐसा लगता है जैसे
रामस्वरूप आचार्य जी की कथा हम श्रवण कर रहे हों और आपकी भी कथा में बहुत अपार जन समूह आता है, बहुत भीड़ होती है, तो महाराज जी उनके उनका स्वरूप कैसे आपने ये सब कुछ बिल्कुल जो आप बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे जगत गुरु बोल रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो गया महाराज जी? देखिए ये है कि हमारे जहाँ मेरा निवास है गरोठा में मकान अभी इस समय मेरा गायत्री मंदिर के पास में बना हुआ है, तो जो जिस लाइन में हो उसको वही नशा रहता है, तो मुझे जो है शुरू से ही भगवान की कथा का नशा रहा है, संगीत का नशा रहा है, वो संतों की सेवा का नशा हमको रहा है बराबर। तो पूज्य जो कामग्र पीठाधीश्वर हमारे जगत गुरु स्वामी रामस्वरूपाचार्य जी महाराज हैं, उनकी प्रथम बार कथा मैंने एक जालौन डिस्ट्रिक्ट में शहर पड़ता है कस्बा थोड़ी सा, उसका नाम है पूंछ, तो पूंछ में मैंने एक सम्मेलन में श्री महाराज जी की कथा को सुना था, उनका प्रवचन मैंने सुना, उनकी ओजस्वी वाणी सुनी और उनकी बोलने की वो एक्टिंग देखी, तो मेरे मन में जो है उनके प्रति बड़ा अपने आप ऐसा इसने रहा है प्रेम रहा है कि, और मैं सोचता रहा कि महाराज जी जैसा क्या मैं बोल पाऊँगा, उनकी बराबरी तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि महाराज जी के पास में जो ठाकुर जी ने गला उनको दिया है, जो ताकत दी है चौपाई बोलने की, वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन महाराज जी 22 बोलते हैं, मैं तो उनका थोड़ी थोड़ी सा नकल करता हूँ, सुनता रहता हूँ मोबाइल से, और भगवान की कृपा से 3-4 बार करीब मैंने उनको अपने गरोठा जो कस्बा है उसमें 3-4 बार उनकी कथा हमने करवाई है महाराज जी की, सभी समिति वालों को जोड़ करके कमेटी बना करके महाराज जी की 3-4 बार कथा की, और सबसे ज़्यादा मुझे अगर कथा अच्छी लगती है तो अपने जगत गुरु महाराज जी की लगती है, कामतगिर पीठाधीश्वर की, किसी भी चौपाई में, किसी भी दोहा में, किसी भी उनकी शब्दावली में या गद्य में आलस से कथा वो नहीं कर, नहीं बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल वीर रस की आपकी कथा, बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्हीं का जब मैं कथा करता हूँ तो उन्हीं का स्वरूप जो है हमें दिखाई देने लगता है, जब मैं कभी ढील से चौपाई बोलता हूँ कि मैं कम बोल रहा हूँ तो महाराज जी का ध्यान करता हूँ तो मैं भी वैसे ही बोल देता हूँ, तो ऐसे बहुत लोगों ने हमको बताया कि आप कथा जो है महाराज जी की नकल करते हैं, हमने कहा उनकी नकल कौन कर सकता है, वो एक महापुरुष हैं और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ठाकुर जी कृपा से बहुत कथावाचक मिले हैं, उनकी कथाएं हमने सुनी है, सबका हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन महाराज जी को जब मैं सुनता हूँ अभी भी सुनता हूँ और उनकी वो चौपाई की जो कहने की कला है, लगता है वो कला किसी के पास नहीं है, भले ही अभी हमारे जगत गुरु महाराज जी संगीत लगने लगा है उनके साथ, लेकिन पहले संगीत नहीं लगता था जब वो चौपाई बोलते थे, अगर आप कहें तो उनके तर्जमे में एक चौपाई सुना दूं जी, बिल्कुल महाराज जी बहुत लालसा है सुनने की महाराज जी, तो अब वैसी तो मुझसे नहीं बन सकती है, लेकिन महाराज जी बोलते हैं जब तो हारमोनियम के जो पर्दा होते हैं वो सारे पर्दा हमारे महाराज जी निकाल देते हैं, और वैसी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनका एक बोलने का जो बोलते हैं महाराज जी तो मैं आपको सुना सकता हूँ कि कैसे वो बोलते हैं, को रघुवीर सरिस संसारा, को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवान हारा, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमरन भजन न होई, ऐसा
मंच पर होते हैं उनको सुनता हूँ तो लगता है कि मैं सुनता ही रहूँ। ऐसे बहुत माने व्यास हैं जिनको मैं अपने हृदय में आज भी जो है स्थान दिए हूँ। स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी तो वो हमारे आपके बीच में इस समय अभी नहीं हैं, लेकिन पूरे भारत में ऐसा संगीत और ऐसी कथा शायद मुझे आज तक किसी से सुनने के लिए नहीं मिली है। और ऐसे बहुत व्यास हैं जिनको मैं जो है हृदय में रखे रहता हूँ। कुल मिला के उनसे मुझे बड़ा प्रेम है। तो राजेश जी को भी मैं सुनता हूँ और सबसे पहले मैं जगत गुरु महाराज जी को सुनता हूँ। जगत गुरु की जो शैली है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। जब वो सिंहासन हिला देते हैं ऐसे तो वो एक्टिंग उनकी हमको बहुत अच्छी लगती है। एक्टिंग उनकी बहुत लोग कर रहे हैं और भी जो आज नए नए जो है जगत गुरु जो बन रहे हैं तो उनकी एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो एक्टिंग वाली शैली नहीं है। महाराज जी स्वयं जो है हृदय से उनका जो भाव और जो भाव देते हैं वो भाव भी ऐसे अद्भुत हैं, वो किसी व्यास से नहीं मिलते। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल हमें तो महाराज जी साक्षात जगत गुरु जैसे ही आप लगते हैं, क्योंकि जब हम आपकी कथा सुनते हैं। नहीं नहीं, मैं तो जगत गुरु नहीं बन सकता हूँ, इतने मेरी कहाँ पहुँच है कि मैं जगत गुरु बन जाऊँ, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मेरा कहाँ इतना गला है, कहाँ इतना तेज है, ये तो उनका आशीर्वाद है कि उनकी दो चार तर्जे जो है मैं सीखे हूँ और मैं बोल देता हूँ, कभी मुझको याद आता है थोड़ी थोड़ी सा संगीत। अच्छा महाराज जी, अपना YouTube चैनल भी है, किस नाम से है? हाँ, मेरा चैनल जो है महेंद्र जी शास्त्री के नाम से है। अच्छा, उस पर अपनी कथाएँ लाइव भी चलती हैं? हाँ, कथाएँ लाइव चली हैं, चल रही हैं। अभी अभी भी मैं कथा में ही जो है एक MP टीकमगढ़ ज़िला में जो है एक नूना महेवा गांव पड़ता है, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है, इसलिए गला अभी मेरा उतना काम नहीं कर रहा है। आपने जो इंटरव्यू लिया है, अगर मेरा गला खुला होता तो पूज्य श्री महाराज जी की और भी हम चौपाइयाँ। नहीं, बहुत सुंदर आपने जो चौपाई सुनाई, मन मुग्ध हो गया महाराज। और अब जो अपने नई पीढ़ी हैं, कुछ एक दो प्रश्न महाराज जी, समाज सुधारक जैसे अपनी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, युवा अभी 8 से 20 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके पास आजकल मोबाइल आ गया है महाराज जी, तो उनका ना तो कोई खाने का समय है, ना कोई पढ़ने का समय है, ना कोई सोने का समय है। तो महाराज जी कुछ ऐसा बताएं उनके लिए कि वो किस टाइम पढ़ें, किस टाइम सोएं, किस टाइम भोजन पाएं। तो मतलब आप कुछ बच्चों के लिए तो कहें महाराज। देखो, आपने कहा है कि मोबाइल बालकों के हाथ में आ गया है तो उनका सारा नियम संयम बिगड़ गया है जी। तो गलती मानता हूँ मैं कि मोबाइल की है, लेकिन मोबाइल में सब गलत ही गलत नहीं है, सही भी है जी। बिल्कुल महाराज जी, ये तो बटन आपके हाथ में है, बटन आपको कौन दबाना है। तो अब जैसे एक रास्ता 6 महीना का होता है, एक साल का होता है, और ये बताने वाला बता रहा कि 6 महीना वाले पे आप जाएंगे तो आपको परेशानी होगी, आपको नरक जाना पड़ेगा, खतरा भी वहाँ हो सकता है, कोई मिल सकता है, कांटा लग सकता है, बदमाश चालाक लोग मिल सकते हैं, इसलिए आप एक साल वाली रास्ता पर जाएं। तो बताने वाला बता रहा है, मोबाइल भी ये बात बता रहा है कि मैं गलत ही नहीं हूँ, मैं सही भी हूँ, लेकिन आपको प्रयोग करना आना चाहिए। तो अब ये क्या है कि बच्चों का जो संस्कार है वो बिगड़ रहा है। मैं मानता हूँ कि मोबाइल का एक बहाना है, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में अगर बालक जो है ना बिगड़ना चाहे तो उसको मोबाइल नहीं बिगाड़ सकता है। भाई मोबाइल में देखो गलत ही गलत नहीं आ रहा, उसमें राम कथा भी आ रही है, कृष्ण कथा भी आ रही है, बहुत महापुरुषों की श्रीमद् भागवत की कथा भी आ रही है, और अच्छे अच्छे जो है भाव भी आ रहे हैं उसमें, और कई चीज़ें जो है जानकारियाँ होती हैं और लोग प्रयोग भी कर रहे हैं। एक बताने के लिए वो एक माने एक जो है गुरु के रूप में भी आप मान लीजिए कोई बात हमको नहीं आ रही है तो YouTube पे उस पर बोल देते हम, और आपके भाई इसका जैसे कहा कि भाई सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या है या अज के पिताजी का नाम क्या है, तो आप जैसे अटेंडम में नहीं आ रहा है तो आप गूगल से पूछ लीजिए, वो बता देगा। तो अच्छी चीज़ भी वो बता देता है, बुरी चीज़ भी बता देता। अब बात यह है कि अच्छे पर हम ध्यान नहीं करते हैं और बुरी जगह जो है हम चल देते हैं। बिल्कुल, YouTube पे तो जो निकालेंगे कथा सुनेंगे तो महाराज जी कथा आएगी, उस पर गलत निकालें तो गलत, न्यूज निकालेंगे तो न्यूज आएंगे। तो ये सब है आजकल। तो वैसे तो इनका नियम क्या होना चाहिए, कितने बजे तक इन्हें बच्चों को सो जाना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए? इनका नियम ये होना चाहिए कि जैसे एक किसी विद्यालय का समय होता है कि 8 बजे 8:30 बजे विद्यालय खुलेगा,
और 5 बजे बंद हो जाएगा, तो उसका नियम है। तो मोबाइल का भी ये बालक नियम बना लें कि भाई जैसे व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो उनका एक समय निर्धारित हो। और समय ये निर्धारित हो कि हमें सुबह या हमारे शाम के दिन में तो अपनी दिनचर्या करना है, अपनी जो है भगवान का ध्यान करना है। घर में हर किसी के यहाँ मंदिर भी होता है, छोटे भगवान होते हैं, छोटा मंदिर होता है। तो पहले तो माता पिता उनको प्रेरित करें कि बेटा सबसे पहले आपको सारी क्रिया संयम बना करके पहले भगवान के यहाँ प्रणाम करना है, भगवान की पूजा करना है, 5 दोहा रामायण पढ़ना है, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करना है। जब घर के सारे कार्य हो जाएं, फिर इसके बाद आप जो है मोबाइल को 1 घंटा आध घंटा देख सकते हैं। जो जिसने आपको मैसेज भेजा, संदेश भेजा, या कोई किसी से बात करना है, तो आध घंटा 1 घंटा के लिए वो फ़ोन चला लें। बाकी अगर सारे दिन उसको लिए रहेंगे, वो केवल उसी में दिमाग लगाए रहेंगे, तो फिर आप बताइए। विद्वान लोग कहते हैं कि अति जैसे किसी चीज़ की अति हो जाए तो वो माने अति सर्वत्र वर्जे। हाँ, अति सर्वत्र वर्जते। तो अब जैसे दूध फायदा करता है, जैसे दूध फायदा करता है, लेकिन दूध उतना फायदा करता है मात्रा में लिया जाए। और जब बिना मात्रा के पिया जाए, कि जैसे गुंजाइश है कि 0.5 लीटर पीना चाहिए, और ज़बरदस्ती अब आप 3 लीटर पी गए हैं, तब तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको, तो वो नुकसान भी करेगा। घी जैसे पौष्टिक है, लेकिन इतना भी नहीं आप घी पी लीजिए कि आपको दिक्कत हो जाए आगे। तो ये सारी बातें हैं। तो मोबाइल मानता हूँ कि समाज में विज्ञान वालों ने मोबाइल भेजा है, तो अब वो मोबाइल जो है लड़कों का भविष्य बिगाड़ रहा है, तो लड़का स्वयं अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। वो तो ये नियम बांधें कि जो नियम तुम्हारे भोजन का है, सोने का है, जागने का है, वो नियम आध घंटा 1 घंटा आप फ़ोन को भी दे दें कि 1 घंटा हम फ़ोन को देंगे या 2 घंटा देंगे, बाकी हम सब अपने घर का काम देखेंगे। बिल्कुल, घर के काम के साथ साथ महाराज जी आजकल के बच्चे तो पूजा पाठ करना भी छोड़ दिया है, तो इनको ये भी नियम बनाना चाहिए कि प्रतिदिन इनको राम नाम या कितनी माला जप, 1008 नहीं कर सकते, 108 करें, मतलब आपके हिसाब से महाराज जी आप अपना बताएं कितना करना चाहिए जब पूजा पाठ। नहीं देखो, ऐसा है कि भैया मैं आपको बताऊं कि जैसे पूजा पाठ भूल गए हैं, तो जो बालक पूजा पाठ भूल रहे हैं जिस घर से, मुझे लगता है कि पहले उनके घर ही के पूजा पाठ भूले हैं। बिल्कुल जी महाराज, बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि बालक अगर पूजा नहीं कर रहे हैं तो गलती बालकों की नहीं है, उनके माता पिता की गलती। क्योंकि बालक 1 दिन पूजा नहीं करेगा, 2 दिन नहीं पूजा करेगा, लेकिन जिसके घर में प्रतिदिन पूजा होती रहेगी, तो 15 दिन के बाद तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हमको भी पूजा करना चाहिए। जब हमारे माता पिता, परिवार के जो भी बड़े हैं, वो बिना पूजा के कुछ करते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है महाराज जी कि वो जो है उनको भगवान के प्रति कोई श्रद्धा ना हो। परेशानी वहाँ हो रही है कि बालक तो जैसे नई बुद्धि के हैं, तो वो तो दूर भाग ही रहे हैं, लेकिन परिवार वाले भी दूर भाग रहे हैं। पहले उनका माता ही पिता का संस्कार गड़बड़ है। माता पिता का संस्कार अगर ठीक है, 5 बजे जाग रहे हैं, और जाग करके भले ही अपने वो संतान को ना कहें कि आप 5 बजे जागो, लेकिन माता पिता अगर 5 बजे 6 बजे वो जागेंगे, तो भले ही बालक चाहे जितना सोता होगा, वो 1-2 महीना में समझ जाएगा कि हमको भी यही करना चाहिए जो हमारे माता पिता कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो माता पिता के ही संस्कार होते हैं। इसलिए अब आजकल माता पिता को ये लगता है कि बेटा पढ़ जाए, और पढ़ने के बाद जो है कोई जो माता पिता जो अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उससे रुपया जोड़ करके उनने गाड़ी लिवा दी, कार लिवा दी। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि कार पहले बालकों को लेना जरूरी नहीं है। फिर जरूरी क्या है? बोले कार के पहले अगर तुमने अपनी संतान को संस्कार ले माने दिला दिया, तो तुम्हारे संतान के पीछे 1000 कारें पीछे होंगी। बिल्कुल। और अगर तुम्हारी संतान का संस्कार बिगड़ गया, तो कार भले ही ले देना, लेकिन बिना संस्कार के तुम्हारा बालक अगर कार में भी बैठा है तो उसका खतरा है। क्योंकि संस्कारहीन बालक जब कार में बैठेगा तो पी करके बैठेगा, कुछ खा करके बैठेगा, बोतल रख करके बैठेगा, एक हाथ से स्ट्रिंग घुमाएगा, पूरा परिवार बिठाए, उसको पता नहीं है स्पीड कितनी देना है, क्योंकि नशा करके वो चला रहा है, तो गड्ढे में गाड़ी चली जाएगी, वो चला जाएगा और परिवार लेके चला जाएगा। इसलिए कार की पहले आवश्यकता नहीं है, कार के पहले अपनी संतान को संस्कार देना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे
एम तलक पर पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो भी दर्शक हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपकी क्या राय है, क्या मत है, तो उस पर भी विचार किया जाएगा और महाराज जी के साथ पुनः एक वीडियो पॉडकास्ट के रूप में बनाया जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का ऐसा ही अपडेट आप तक को प्राप्त होता रहे। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।